स्टूडेंट्स हम देखेंगे कीलेट्स क्या होते हैं, या इनको चीलेट्स भी कहते हैं, कीलेट्स भी इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो कि हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ये लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो कि हम देखते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये लिगेंड्स में से ये कौन से वाले लिगेंड्स आ जाते हैं, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कीलेट्स बेसिकली हमारे पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, जिस तरह कीलेट्स का वर्ड जो है ना, अच्छा यहां पर इसको अगर हम देख लें एक दफा, कि कीलेट्स का वर्ड जो है ना ग्रीक में क्लॉज के लिए यूज होता है, पंजे जो होते हैं, ठीक है। तो ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में इसको हम देखते हैं कि ये इसका मतलब होता है क्लॉज, ठीक है। क्लॉज यानी पंजों के लिए ये वर्ड यूज होता है कीलेट्स का। तो हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं, पंजे। अब पंजे देखिए किस तरह से जकड़ लेते हैं ना, हर तरफ से यू करके जकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर भी यही देखते हैं कि जो कीलेट्स होते हैं यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, वो मोर देन वन यानी कि टू या मोर जो है वो साइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टू और मोर एटम्स होते हैं, मोर एटम्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं किसी एक ही लिगेंड के। हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर से टू और मोर एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, किसको दे रहे होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल को दे रहे होते हैं, ठीक है, मेटल इसको दे रहे होते हैं। अब इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब अच्छा, कीलेट्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कीलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनको कीलेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, इसके अलावा कीलेटिंग लिगेंड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके ये तीनों नाम भी लिख देते हैं, ये इसके तीनों नाम आ गए, ठीक है, कीलेट्स, कीलेटिंग ग्रुप्स और कीलेटिंग लिगेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी भी टाइप्स होती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहा है ना हमने, तो इसलिए इसकी जो हमारे पास टाइप्स आ जाती है वो किस तरह से आ जाती हैं, हमारे पास आ जाएंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था टू और मोर, तो इसलिए हम देखते हैं टू में जो है वो हमारे पास बाइडेंटेट आ जाते हैं, ठीक है। जिनके टू एटम्स जो होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होंगे, तो वो बाइडेंटेट लिगेंड्स आ जाएंगे, बल्कि यहां पर हम उनको क्या कहेंगे, बाइडेंटेट कीलेट्स कहेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया बाइडेंटेट कीलेट्स। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देख लें, एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से उठा के किस तरफ को ले जाती हूँ, थोड़ा सा इस तरफ को ले आती हूँ, ठीक है, ताकि इसके नीचे, इसके बराबर में ही हम क्या लिख सकें, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल लिख सकें। इसके लिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे ऑक्सलेट का, जो हमारे पास ऑक्सलेटो जो एक लिगेंड होता है, ऑक्सलेट से निकला होता है, ठीक है। तो वो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कुछ इस तरह आएगा, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, देन यहाँ पर एक और सी और वो डबल बॉन्ड ओ बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक इसका जो है क्या है, ऑक्सीजन जो यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ मौजूद है, इसके पास भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट किया जा सकता है, और इसके पास भी मौजूद है। अब देखिए ये एक ही इसका जो है वो क्या मौजूद है, यूनिट मौजूद है, और ये क्या करेंगे, ये प्लेटिनम के साथ जो है वो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये प्लेटिनम का मौजूद है सेंट्रल मेटल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहां पर एक और इसी तरह मौजूद होगा, क्या मौजूद है कि ये हमारे पास ऑक्सलेटो का जो है वो मॉलिक्यूल या यूनिट हम कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, एक लिगेंड मौजूद होता है, बेसिकली हम कहेंगे लिगेंड मौजूद होता है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और इसके साथ यहाँ पे इसका लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका एरो के साथ जाएगा कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो हम ठीक कर लेंगे, यहां से हम इसको ठीक कर लेते हैं, इस तरह से ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और हम देखते हैं कि इसके ऊपर ओवरऑल फिर हमारे पास चार्ज आ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर माइनस साइन, इसके सॉरी इसके ऊपर नहीं था, इसके ऊपर यहाँ माइनस साइन था, इसके ऊपर माइनस साइन था, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, ठीक है। तो ये क्या था कि हमारे पास फोर नेगेटिव आइन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे फोर नेगेटिव था और प्लेटिनम पे टू पॉजिटिव था, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फोर माइनस फोर प्लस टू क्या बन जाता है, हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस टू। तो इसके ऊपर ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये हमारे पास एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फेयर आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास बाइडेंटेट कीलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये हमने फर्स्ट वन देख लिए। देन हम यहां पर उसके और टाइप्स देखते हैं, इसी तरह हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इसी तरह हमारे पास मौजूद होते हैं, हम यहां देखते हैं कि ट्राइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, जिसमें सॉरी कीलेट्स हम कहेंगे, यहाँ पर बेसिकली कीलेट्स की बात करें, उनको हम कीलेट्स कह देते हैं, इसलिए कीलेट्स होते हैं, ठीक है, तो ट्राइडेंटेट भी आ जाते हैं।
ठीक है ना। इसी तरह सो ऑन, हम देखते हैं हमने ईडीडीए की बात की थी, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी तरह टेट्राडेंटेट भी होते हैं, फिर हमारे पास पेंटाडेंटेट भी होते हैं। यहां पर हेक्साडेंटेट की अगर हम बात कर लें, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास जो होते हैं वो फोर, सॉरी फोर नहीं, हेक्सा का मतलब तो सिक्स होता है, तो सिक्स एटम्स जो होते हैं हमारे पास, जो लिगेंड होता है उसके अंदर से, जो कीलेट होता है उसके अंदर से सिक्स एटम्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, क्लॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि उसको होल्ड कर रहे होते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल आयन को। अब जिस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल देखेंगे, हमने बात की थी किसकी, ईडीटीए की, पहले हम बात कर चुके हैं जब हमने लिगेंड स्टडी किए थे, तो ये हमारे पास आ गया जिसमें हम देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ईडीटीए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर विजिबल करेंगे, ई डी टी ए, और हमने कहा था इसका नाम क्या है, इथाइलीन डायएमीन टेट्रा एसिटेट, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसमें हम देख रहे हैं कि यहां से भी डोनेट किया जाएगा, यहां से भी डोनेट किया जाएगा, वन टू देन थ्री देन फोर देन फाइव, ठीक है, इसको चले हाईलाइट कर देते हैं यहां से। ये हमारे पास आ गया वन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो बनाएगा, ठीक है, ये वाला, देन ये वाला, इसके बाद ये जो नाइट्रोजन मौजूद है ये भी, ठीक है, देन यहां पर जो मौजूद है ये भी, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे मिल के एक जो हमारे पास मेटल आयन होगा उसको क्या करेंगे कि उसको जो है वो घेर लेंगे, ठीक है, और उसको जो है वो क्या कर लेंगे, उसको जो है वो हम कहते हैं कि उसको साथ क्लिंक कर जाएंगे, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर हम लेकर आएंगे किस तरह से वो बॉन्ड बना रहे होते हैं, बीच में सेंट्रल मेटल मौजूद होता है और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, ठीक है। तो हेक्साडेंटेट की लेट की हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखें ये जो ऑक्सीजन थे, अब देखें ये CO के साथ जो ऑक्सीजन था ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से मेंशन करें, एस्टेरिक लगा देती हूँ मैं, ठीक है, ये वाले जो है इनको एस्टेरिक लगा दिया हमने ग्रीन से, देन जो ये हमारे पास नाइट्रोजन है इनको मैंने ब्लू से एस्टेरिक लगा देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है इनको भी हम जो है वो एस्टेरिक लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास, अब देखिए ये एक नाइट्रोजन जो मौजूद है ये रहा, ठीक है, इसने इसका एरो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा देती हूँ, ठीक है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है इसके साथ भी एस्टेरिक था तो हम इसका भी एरो यहाँ लगा देते हैं, ये इस तरह से आ गए, ठीक है। फिर एक नाइट्रोजन जब देखिए ये वाला नाइट्रोजन था, इसके साथ जो दो ऑक्सीजन थे ये किस तरह से आ रहे हैं, ये देखें एक नाइट्रोजन के साथ जो ये है ये यहाँ से इस तरह से करके यहाँ से यूं आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो एस्टेरिक ग्रीन कलर है जिसके एस्टेरिक थे तो हमने यहाँ पर उसके लिए ग्रीन एरोज लगा दिए, ठीक है, ये इस तरह से आ गए। देन हमारे पास क्या मौजूद था, पिंक हमारे पास था, ठीक है, पिंक एस्टेरिस्क लगाए थे यहाँ पर। अब देखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन था इसके साथ एक ये ओ नेगेटिव जा रहा था, तो ये ओ नेगेटिव ने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ था उसने यहाँ से जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इस तरह से देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, ये हमारे पास ये कंपाउंड क्या शो कर रहा है, ये कंपाउंड शो कर रहा है कीलेशन, ठीक है। कीलेशन क्या होती है, कीलेशन होती है कीलेट की, या कीलेट की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कीलेशन आ जाती है, ठीक है, तो कीलेट फॉर्मेशन जो है वो उसको हम कह रहे हैं कीलेशन। और देखिए ईडीटीए जो ये इस मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल के साथ जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसको फुली, इसको क्या कर रहा है, क्लिंक कर रहा है इसके साथ बॉन्ड्स बना रहा है, तो वो किस तरह से जो है उसने क्लॉज की तरह से इसको जो है वो घेरा हुआ है, ठीक है, और इसको जो है वो इसके साथ हम कह रहे हैं कि क्लॉज की तरह इसको जो है वो इसको हमने यहाँ कहते हैं कि क्लिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया कीलेट्स, कीलेट्स हमने कहा जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं टू द सेंट्रल मेटल, तो वो हमारे पास अगर उस पॉलीडेंटेट इन टू और मोर एटम्स उनके पास हो किसी लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें टू द सेंट्रल मेटल, तो वो हमारे पास कीलेट्स होते हैं, जिस तरह हमने देखा बाइडेंटेट कीलेट्स, हेक्साडेंटेट कीलेट्स।